वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? तो कह रहे आप अच्छे हो। और आज मैं जा रहा हूँ चूल्हा की तरफ और आगे देखते रहिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा हैवी बाइक तो नहीं है, बस 100 cc डिस्कवर है, जो मॉडल है 100M। अभी आप देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी किस चीज स्पीड पर चल रही है, क्योंकि यार हैवी है क्या थोड़ा सा। कैसे स्पीड देखता हूँ यार कितनी, ठीक है यार 90.5 की बात है, देखा नहीं हुई। आपको बहुत आ रही होगी, रॉयल एनफील्ड का तो मजा ही कुछ और ही है यार। जाते हुए इस समय क्या हुआ था कि एक बंदा यहाँ से क्रॉस कर रहा था साइकिल लेके, साइकिल भी थी और एक बंदा आगे मिला था आगे वाले पुल ब्रिज पर, तो वो ना तो ये देख रहा था कि सामने कोई बाइक आ रही है या नहीं आ रही है, उसको कोई मतलब नहीं, चला जा रहा था। बस ज्यादा 5 सेकंड का सिर्फ गैप बचा उसमें, मुझे काफी एक्सीडेंट हो गया था उसके साथ में। स्प्लेंडर रख दिया, ये गलत है यार कि इधर उधर निकल रहे यार, कम से कम इधर उधर तो देख लो यार कि कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, कि मतलब मुंह उठाया चल दी ऐसे ही। यार अच्छा ही लगता है यार, गाड़ी आई हुई है यार, वो भी स्विट्जरलैंड आई हुई है और सर आप ऐसे ही चले जा रहे हो, मैं उठा के कम से कम यार इधर उधर देखोगे तो यार आपको भी दिक्कत नहीं होगी, ना ही हाईवे पर चलने वालों को। गाड़ी को टो करके ले जा रहे हैं, वैगनार एक्सीडेंट हुआ है ना, पूरी ठुक चुकी है भाई। आएगा फ्रंट पूरा चला गया, पता नहीं चलने लायक भी है कि नहीं। मैं अपना बताया कि हमारी गाड़ी चलने लायक है, ये देखो सामने से लैब के पास चलाते हुए आ रहे हैं भाई, तो पर अंदर पर से देखेंगे यार कितना टाइम लगेगा हमको चूल्हा पहुँचने में। वैसे गूगल की स्पीड के हिसाब से बताएं तो ये 80 की स्पीड पर पहुंचेगी, क्या ज्यादा 70 की स्पीड पर पहुंचेगी, मुझे पता नहीं यार। वैसे स्पीड क्यों कम देता है गूगल से मैप से,
जब ये 100 पे चलेगी तब जाके वो गूगल मैप पे देगा 90 किलोमीटर की स्पीड पे। भाई मेरे को ज़्यादा नहीं की जाएगा, बहुत बेकार लगती है। डिस्कवर ले लो क्या भाई, क्या प्लैटिना ले लो या स्प्लेंडर प्लस ले लो या सुपर स्प्लेंडर ले लो, सभी बाइक एकदम गजब चलती हैं। अभी हम आ गए साईनी मंदिर के पास पहुँचने वाले हैं, काफ़ी जल्दी पहुँच गए यार। नाइट में यार काफ़ी टाइम लग जाता है यार, इस हिसाब से तो यार हम इस ट्रैक से तो काफ़ी लंबा लॉन्ग राइड भी कर सकते हैं। कंफर्टेबल है, बस फर्क इतना है कि यार इसमें जो पैडल होता है ना रखने के लिए इसका पैरदान, वो थोड़ा वाइब्रेट होता है और इसका बिलियन जिसका है काफ़ी वाइब्रेट होता है, बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेट होता है, थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा। बाकी ड्राइवर सीट को कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ पर भी काफ़ी वाइब्रेशन है लेकिन सीट पर इतना नहीं होता है, सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। बाकी इससे मैंने 100 किलोमीटर का राइड किया था नाइट का, जो कि वो वीडियो पहले है, अगर आपने नहीं देखी है तो वो आई आइकन पर मैं डाल लूँगा, आप देख लीजिएगा। क्योंकि 100 किलोमीटर यानी हम फैजाबाद से निकले थे तो जा रहे थे गोवर्धन लेकिन हम रास्ते हमारे साथ के एक पर्सन रास्ता भूल गए, जिस वजह से हम दिल्ली पहुंचने में सिर्फ 100 किलोमीटर पीछे रह गए। अब आप सोच ही सकते हो कि यार कितना चल रही है यार, बाहर बस रुकने के लिए सिर्फ फ्रेश होने के लिए रुके थे एक नंबर के लिए, बाकी और बाइक कहीं नहीं रुकी क्योंकि पैदल हमारे पहले से ही टंकी डलवा रखी थी, जो कि 300 से 400 रुपये का पैदल डलवा रखा था। ये सानी मंदिर है, यहीं पर एक गुफा बनी हुई है, आप देख सकते हैं आ रहा है, काफ़ी अच्छी है। क्योंकि सबका मालिक एक है, बस उनके नाम अलग अलग हैं। करने में और क्या है यार, 100 cc का आ गया और क्या लोग हैं। क्या अंकल गाड़ी नहीं लिख रही क्या? अंकल को लगा कि कम स्पीड में चल रही है गाड़ी, चल रही है 90 की स्पीड है भाई, 90 स्पीड मान रखती है क्योंकि हाल फिलहाल कंट्रोल नहीं होती गाड़ी, चाहे कोई भी गाड़ी हो स्प्लेंडर हो या कोई भी, वो बात अलग है यार कि डिस्ट्रेट में गाड़ी वैसे ही रुक जाती है, उसमें भी स्लिप होने का डर रहता है क्योंकि बजन गाड़ी हो, गाड़ी में बजन हो तो यार गाड़ी कोई स्लिप नहीं होती है। मस्त गाड़ी भाई, मस्त गजब चल रही भाई, गजब। जा रहे थे ब्लड पे वही रॉन्ग साइड, अब भाई यूपी है, यूपी में यह सब चलता रहता है। तो कहते हैं ना
रईस मूवी का डायलॉग, रईस मूवी का था कौन सी का था, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं स्टैंड ऑफ रिश्ता, मैंने देखी नहीं यार मूवी कौन सी है स्टैंड ऑफ रिश्ता वाली। आगे टोल टैक्स करने वाला है टूर लगा, कुछ लोग फोर व्हीलर वाले टोल टैक्स देते हैं कुछ लोग नहीं देते हैं। गाड़ी बहुत सही चल रही है क्या भाई, भाई 90 की स्पीड से अगर ऊपर आ रहा भेजता हूँ ना तो पूरा 90 के बजाय 80 पे आगे जाती है स्पीड। अभी आप दिखाऊंगा, अभी दिखा दूंगा, देखो देखो 100 पे पहुंचने के बजाय एकदम कट मार रहा भाई, कट मार रहा एकदम भाई, कट मार रहा भाई कट। और भाई मेरे को तो रोकना नहीं, और भाई कुछ एकदम पैकेट पहन के क्लच पहन के यार एकदम कंप्लीट है तो यार क्या दिक्कत है। यही वाला वो टोल टैक्स है जो मैंने नाइट में पहली वीडियो में लॉन्ग वाली वीडियो में दिखाया था, क्योंकि यार नाइट में बहुत अंधेरा था इस वजह से यार कैमरा में क्लियरिटी नहीं आ रहा था यार। अभी आप देख रहे हो कितना क्लियरिटी आ रहा है, क्या दिक्कत होगी भाई। अच्छा अच्छा खिलौने बेच रहे बच्चों के, जहाँ पर पहुँचने वाले थे वहाँ पर पहुँचने वाले हैं टूरला भाई। यार लोग बोलते हैं आगे टिक्की मशहूर है और हम खाना खा के आए हैं, इस वजह से हम कुछ नहीं खाने वाले, सीधा हम जाएंगे अपने काम से जिस काम से हम आए हैं। और यार देखते हैं
क्या भाई फोटो वाला भाई उल्टा लेके आ रहा मान गए पता नहीं क्या था यार गर्दन तो बहुत चोटी का था यार देख ले यार करके क्या है यार भाई इन लोगों की तो गाड़ी सही कर देनी चाहिए पहली संख अपना कर रही है बस पास करी थी तो थैंक यू दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय।